अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों तबीयत ठीक नहीं थी, अब काफ़ी बेहतर हूँ। क्या हुआ था, वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे? आज आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी और क्या हुआ था वो सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। और इतने दिनों से आप लोगों से क्यों नहीं मेरी बातचीत हो सकी, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और काफ़ी डिटेल से बताऊँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले कुछ वीडियोस में जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि सारी डिटेल से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी, तो आज इस वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी, बात शुरू होती है पिछले साल से, जब ना मुझे यहाँ बैक साइड पे ना कमर से थोड़ा सा ऊपर शोल्डर की साइड पे मुझे ना एक दाना निकला था। और जैसे बरसात के मौसम में एक जो थोड़ा सा दाना जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, पस पड़ जाती है, उसमें वो थोड़ा सा निकला था, तो वो उसका लिए मैंने ना मेडिसिन ली थी। तो वो जैसे पस पड़ जाती है और फिर वो उसका मुंह बनता है, वो फट जाता है, वैसा नहीं हुआ था। डॉक्टर से मैंने मेडिसिन ली तो वो वहीं पर ही ना डेड हो गया, फ्लैट हो गया था। तो उसके बाद वो जगह बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल जैसे कुछ भी नहीं था वहाँ पे ना। फिर कुछ मंथ पहले, तकरीबन 5-6 महीने पहले जो है वहाँ पर ही ना एक शायद पहले निकली होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक ना गिल्टी सी बन गई वहाँ पे ना। तो मैंने 3-4 महीनों पहले नोट किया क्योंकि बैक साइड थी, इतना आइडिया नहीं मुझे हुआ, तो शायद पहले निकली होगी, तकरीबन 5-6 महीने पहले शायद निकल गई होगी, वो मैंने ध्यान नहीं किया। तो जी तब जब 3-4 मंथ पहले मैंने ध्यान किया कि वहाँ ना एक छोटी सी गिल्टी सी बनी हुई है, मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि जी अगर इसमें कोई ख़ारिश नहीं है और कोई पेन नहीं है इसमें तो इसको ना रहने दें, इसको कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं करेंगे हम लोग, इसको वैसे ही छोड़ दें। बाज़ दफ़ा बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में, कभी सर में, कहीं बाजू पे या कहीं भी और भी हिस्सों में ना इस तरह से बन जाती हैं गिल्टियाँ, तो वो ठीक हो जाती हैं। अच्छा जी, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलें ठीक है, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं कर रही है, तो फिर मैंने डॉक्टर्स की बात मान ली, मैंने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, उसमें ना मुझे हल्की हल्की पेन स्टार्ट हो गई और उसमें ना वो मुझे लगा कि थोड़ी सी ना वो बड़ी होना शुरू हो गई है। तो तब मैंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो जी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी लेकिन ना कुछ नहीं हुआ, मतलब वो ठीक नहीं हुई और मुझे जो है ना पेन ज़्यादा होना शुरू हो गई। और एक जैसे छोटा सा बैलून टाइप होता है ना, छोटा सा, उस टाइप में वो फूलने लगी ना थोड़ी सी, अंदर ऐसे लगा जैसे ना एक रेशा सा अंदर पड़ गया है और फिर ना साइड्स उसकी ना रेड होने लग गई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये ना सही नहीं है, सही काम नहीं है, तो मैं दोबारा फिर गई, जब मुझे मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं अब इसका ना ऑपरेट ही करना पड़ेगा क्योंकि साइज़ में बड़ी हो गई है ये, अंदर ना इसके इन्फेक्शन हो गया है और जो इसका जो क्या कहते हैं साइड से ये रेड हो गई है और पेन भी काफ़ी ज़्यादा कर रही है, बाज़ इतनी पेन करती थी कि मुझे पेन किलर ना लेनी पड़ती थी। फिर उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी ही होगी, आप लोग जो है ना हॉस्पिटल चले जाएं और फिर वहाँ से आप इसका ट्रीटमेंट करवा लें, सर्जरी करवा लें इसकी। तो फिर मैं चली गई जी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा जी इसकी वाकई इसकी सर्जरी होगी, ये जी सिस्ट है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की सिस्ट होती है, नेम होते हैं मुख्तलिफ सिस्ट के, तो ये जो मेरी सिस्ट जो थी ना, जो गिल्टी थी, वो उसका नाम है जी सेबेसियस सिस्ट, ठीक है। ये बॉडी में सर पे या बैक साइड पे कमर की या इस तरह से ना इन जगहों पे ये हो जाती है, तो इतनी इसकी परेशानी की बात नहीं है। तो जी फिर
उसके लिए मुझे डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिख के दिए। मैंने वो टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह का कि टेस्ट सारे क्लियर आए मेरे। और उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने फिर मुझे सर्जरी के लिए टाइम दिया तकरीबन 1 वीक का। वैसे मैं प्राइवेटली कहीं चली जाती क्लिनिक वगैरह में तो फिर फ़ौरन ही हो जाती, लेकिन हॉस्पिटल में आपको पता है थोड़ा सा वो लोग टाइम लेते हैं। तो तकरीबन मुझे 1 वीक का टाइम दिया उन्होंने और फिर 1 वीक बाद मैं गई और फिर सर्जरी हुई। 3-4 दिन हो गए हैं मेरी सर्जरी को, तो रेस्ट हो रहा है मेरा काफ़ी 3-4 दिनों से। अब उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी हैं। अंदर असल में ना इन्फेक्टेड हो गई थी सिस्ट मेरी, ना अंदर जो है ना पस पड़ गई थी, उस वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा जब उन्होंने इसको ओपन किया ना तो पस थी अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको उसका इनको ना अंदर से सारा जो सिस्ट है वो निकाली इन्होंने, जो गिल्टी थी उसकी जड़ें सी बन गई थी वो निकाली, और सारा अंदर से फिर आपको पता है काफ़ी बड़ा सा एक होल सा हो गया है। और उसको ना उन्होंने सारा अंदर से साफ़ किया और फिर बहुत अच्छे तरीके से खैर ट्रीटमेंट किया उसका उन्होंने, लेकिन अभी जो है ना ओपन रखा हुआ है उन्होंने। डेली जो है बैंडेज चेंज होती है, डेली बेसिस पे मैं करवाती हूँ उसकी चेंज, तो सफाई करके उसके अंदर से और फिर ना उसको बैंडेज होती है, थोड़ी पेन होती है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। 3-4 दिन हो गए हैं मैं जो हूँ वो ले रही हूँ, पेन किलर भी ले रही हूँ, एंटीबायोटिक्स भी उन्होंने दिए हैं मुझे वो भी ले रही हूँ मैं, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्क है। तो अब उसके बाद अब मुझे फिर 1 वीक बाद बुलाया उन्होंने, फिर मुझे वो स्टिचेस लगाएंगे उस पर, देखेंगे कंडीशन कैसी है, अंदर से क्लियर है सारा, तो फिर उसके बाद वो जो जगह है सारी वो स्टिच कर लगा के तो बंद कर देंगे। अच्छा उसको फिर स्टिचेस लगा के बंद करके फिर आई थिंक फिर 1 वीक मुझे देंगे। ज़ाहिर है स्टिचेस जब लगते हैं तो 1 वीक बाद ही फिर वो तकरीबन 8 दिन ही होते हैं वो फिर ओपन होते हैं, तो वो भी फिर मैं आप लोगों से साथ साथ शेयर करूँगी। तो इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा मेरे से, लेकिन मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से जो जो जैसे से हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि कोई इस तरह से आप लोगों को भी कुछ ऐसी कोई फील हो, ऐसी कोई चीज़ को गिल्टी कहीं को इस तरह से, तो आप लोग जो है थोड़ा आइडिया हो जाए आप लोगों को, और थोड़ा सा कुछ आप लोग फिर उस हिसाब से उसको डील करें, ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर्स के पास जाएं। और इस तरह से इसको मैं समझती हूँ वो शायद मैंने जब थोड़ी सी जब मेरी सिंपल सी गिल्टी सी बनी थी ना तब शायद तब ही मुझे चले जाना चाहिए था, क्योंकि बाद में वो जो है ना उसमें पस पड़ गई, इन्फेक्टेड हो गई वो सिस्ट, तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ और प्रॉब्लम ज़ाहिर है मुझे ही हुई, मैंने ही फेस की। तब शायद मैं चली जाती, तब ऑपरेट करवा लेती उसका, तो शायद तब मैं जो हूँ वो इतनी पेन से बच जाती मैं ना। अब जो अब एक ज़ख़म जो है मेरा भी ओपन है सारा वो, तो क्योंकि उन्होंने स्टिचेस नहीं लगाए, उन्होंने कहा कि जी अभी हम स्टिचेस लगा देंगे ना तो अंदर शायद फिर से दोबारा से वो पस ना पड़ जाए, तो अभी इसको क्लियर होने दें सारा, और फिर जब अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, अभी ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद जो है हम इसके स्टिचेस लगाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अभी तक करम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अब दिन ब दिन अच्छी ही इम्प्रूव ही होती जा रही है। सबने बहुत ख्याल किया है, बहुत सब लोगों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब ने माशाल्लाह मेरा बहुत ख्याल रखा है। रेस्ट कर रही हूँ मैं अभी भी, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट चल रहा है मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका बहुत शुक्रिया, सबने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है। और शायद कभी कभी ऐसा हो भी जाना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में आप इतने मगन होते हैं, इतनी रूटीन में, इतनी ड्यूटीज़ में आप लोग लगे हुए होते हैं, हम लोग स्पेशली जो औरतें अपना ख्याल नहीं करती, ध्यान नहीं करती हैं, तो हम इतना बिजी होते हैं, तो अगर इस तरह से कभी कोई टाइम ऐसा लाइफ में आ जाए तो फिर थोड़ा रेस्ट मिल जाता है
ये भी अच्छी सी फीलिंग आती है कि सब बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं आपका। तो जी बस मैंने कहा आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं बनाऊं, ताकि इतने दिनों से इसीलिए वीडियोस भी नहीं आ रही, कोई व्लॉग नहीं आ रहा, क्योंकि तबीयत ना बस ऐसे ही चल रही है। थोड़ा सा जाहिर है मेडिसिन वगैरह भी ले रही हूँ, तो उससे भी थोड़ी तबीयत जो है ना थोड़ी ज़रा डाउन सी है। तो इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के साथ वीडियोस बनाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ व्लॉग्स अपने, दोबारा से फिर से आप लोगों के साथ आऊंगी आप लोगों के पास। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।